कल 6 दिसंबर था, भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसने एक लकीर खींच दी। इस भारत के बीचों बीच एक लकीर ऐसी खींची जिस लकीर में धार्मिक पोलराइजेशन शुरू हो गया। आज केंद्र में एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो केवल पोलराइजेशन के नाम पर वोट लेकर जीती है। कल बाबरी विध्वंस की बरसी थी, इसको लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, मगर बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से बिहार को शर्मसार होना पड़ा। बिहार के दरभंगा समेत कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबरी विध्वंस की इस वर्षी के नाम पर एक हुजूम निकाला, मगर दरभंगा में इस हुजूम ने जो रूप ले लिया वो बड़ा दुखद था। करीब 70-80 लोग, एक खास समुदाय के लोग, जब हुजूम लेकर बाहर निकलते हैं तो वो देश विरोधी नारा लगाते हैं। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है। पुलिस के सामने कहा जाता है देश के विरोध में कई बातें, और यह भी कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद वही बनाई जाएगी जहां पर तोड़ी गई थी। इस घटना के बाद जो कुछ हुआ वो सुनिए इस रिपोर्ट में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी पर निकले जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए गए। घटना की बाबत सदर वीडियो रवि कुमार सिन्हा के बयान पर लहेड़िया सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें पार्टी के महासचिव मोहम्मद महबूब आलम सहित अज्ञात 60 से 70 लोगों को नामजद किया गया है। SSP गरिमा मलिक ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारेबाजी में कौन कौन लोग शामिल थे इसकी पहचान की जा रही है। बताया गया है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर जुलूस किला घाट से करमगंज होते हुए लहेड़िया सराय स्थित समहारण नाले पहुंची। इसमें शामिल लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। सदर प्रखंड के वीडियो को प्राथमिक दर्ज करने के आदेश दिए गए। खास बात यह है कि नारेबाजी पुलिस की उपस्थिति में हुई। जुलूस के साथ सुरक्षा बल चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बाबरी मस्जिद निर्माण विवादित भूमि पर किया जाए। उन्होंने अदालत में आस्था जताते हुए कहा है कि फैसला उनके ही हक में आएगा। नेताओं ने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने तब बाबरी मस्जिद बनाने की बात मान ली थी, लेकिन ये आश्वासन पूरा नहीं हो सका। घटना से शहर में तनाव पैदा हो गया है। पुलिस एहतियातन सतर्क है। जिला पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने कहा है कि आपत्तिजनक नारेबाजी की सूचना पर FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। उधर दरभंगा के भाजपा विधायक संजय सरावगी ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। विधायक ने स्पष्ट कहा है कि जिस देश में जन्म लिए उसका कोई मुर्दाबाद करे ये बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह जाले विधायक जीवेश कुमार ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मिथिला की पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने गंदा करने का काम किया है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।